हेलो ऑल, दिस इज सानवी शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोलफुल जर्नी। आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूं, लेकिन इस रीडिंग से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूं कि मैंने एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट किया है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर 5 फ्रेंड्स को टैग करके शेयर कीजिए। मैं इस कंटेस्ट का रिजल्ट 15 सितंबर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनाउंस करूंगी। इसमें 3 विनर्स अनाउंस होंगे। फर्स्ट को फ्री कैंडल वैक्स रीडिंग विद हीलिंग मिलेगी, सेकंड को फ्री कैंडल वैक्स रीडिंग मिलेगी और थर्ड को फ्री टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगी। आई वॉन्ट ऑल माई यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन द कंटेस्ट ताकि आप अपने लिए फ्री रीडिंग और हीलिंग जीत पाएं। सो कमिंग टू दिस वीडियो, आज मैं कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग का टॉपिक है कि जैसे कि आप जानते हैं कि 6th and 7th दोनों दिन ही नो मून था और इन दोनों दिनों में एनर्जी का बहुत बड़ा शिफ्ट मुझे मेडिटेशन में फील हुआ है। लेकिन इन दोनों दिन में पर्टिकुलरली कुछ ऐसा एनर्जी शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन अभी इसकी जो फोर्थ कमिंग एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो ये जो नो मून है ये आपके लिए क्या लेकर आया है, नो मून की स्पेशल एनर्जी क्या है, देखते हैं। तो एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं। पहले ये देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस होने वाले, आपके कौन सी लाइफ के स्फीयर में चेंजेस होने जा रहे हैं विद दिस नो मून एनर्जी। ठीक है, देखते हैं कौन से स्फीयर में चेंजेस होंगे। तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है, रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पावर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रायम्फ का कार्ड है, मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, क्राउन चक्रा का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है। सबसे ज्यादा चेंजेस यहां पर मुझे आपकी लव लाइफ के अंदर नजर आ रहे हैं। ये जो लव लाइफ के अंदर आपके चेंजेस होने जा रहे हैं, यहां पर जो भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है उस थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से टैकल कर सकते हैं। यहां पर हो सकता है बहुत सारे लोगों के जिंदगी में आपको आपके पार्टनर कांटेक्ट करे, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करना बंद कर दें। ठीक है, रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर अगर कुछ ठीक हो सकता है तो वो ईश्वर की मर्जी से ठीक हो सकता है, ऐसे ठीक नहीं हो सकता है। उसका रीजन ये है, यहाँ पर 369 जो कि आपने टेस्ला मैनिफेस्टेशन सुनी होगी, ठीक है, ये उसका कोड इंडिकेट कर रहा है। थर्ड पार्टी एनर्जी ने आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, आप या आपके पार्टनर अपने पुरानी एनर्जीज में हैं, अपने आपको सामने से कुछ और शो कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और हैं, और यहाँ पर पुराने वक्त को याद किया जा रहा है और ये आपके पार्टनर डेफिनेटली याद कर रहे हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी की लगाई हुई आग से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर इल्यूजन की एनर्जीज के अंदर आ गए हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से अपने आप को पावर में समझ रहे हैं, बट एग्जैक्टली वो पावर में नहीं है, वो इस रिलेशनशिप के ऊपर कंट्रोल नहीं बना पाएंगे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर यहाँ पर अगर कुछ भी सही से कर पाएंगे तो वो सिर्फ ये है कि वो इस थर्ड पार्टी के इशारों पर नाच पाएंगे। ठीक है, ये चैलेंजिंग टाइम आने वाला है और इसमें डिवाइन आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसमें डिवाइन की ही मर्जी से चीजें ठीक हो सकती हैं, अदरवाइज यहां पर जो आपके पार्टनर आपको ईगो दिखाने वाले हैं उसमें वो अपनी सक्सेस समझते हैं। आपके पार्टनर की विजन चेंज हो गई है, वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म चीजों के बारे में सोच रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म चीजों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये हाथ छूट जाएगा, लेकिन पूरे सिचुएशन ऐसी बनने वाली है कि ये हाथ
को छुड़वाने की कोशिश की जाएगी। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपको 100% गलत ठहराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है, अगर आपके पार्टनर आपके हाथ से फिसल रहे हैं, मींस ये नहीं मैं कह रही हूँ कि वो आपके हाथ में बंधे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, कहने की बात ये है कि उनको चीजों के बारे में समझ ही नहीं आ रही है, वो अपने दिमाग से काम ही नहीं ले रहे हैं, तो आप इस रिलेशनशिप के प्रति अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं, उससे अपने पार्टनर को इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। कहते हैं एक भटकाव की एनर्जीज पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती हैं और यहाँ पर वो एनर्जीज नजर आ रही हैं। 3, 9, 8, 7, 6 यहाँ पे अगेन 7, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनके साथ लड़ने की बजाय अगर उन्हें थोड़ा सा आप सहानुभूति से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पता लगेगा कि वो अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हैं। इस थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि ये थर्ड पार्टी अपने आप को सही साबित करने लगी हुई है और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं गलत साबित कर रही है, आपके पार्टनर को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है ये थर्ड पार्टी। मैनिपुलेटिव एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है और आपके पार्टनर को गलत डायरेक्शन में पावर का एहसास करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में एक हेल्प क्रिएट करे, या मैं कहूं कि मौके का फायदा उठाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर या तो आप फायदा उठाने दीजिए और अपने आप को अपनी लाइफ में मस्त कर लीजिए, ठीक है, अपने आप को अपनी लाइफ में एंगेज कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी की वजह से खराब नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है उनके प्रति आपको एक तो सहानुभूति रखनी है, उनके लिए जो आप एफर्ट्स कर सकते हैं अपने पार्टनर को हील कीजिए, डिवाइन हीलिंग की यहाँ पर जरूरत है। आप अपने पार्टनर के साथ बहस करेंगे या उन्हें सामने से बोलेंगे, उस चीज का कोई फायदा नहीं, आपके पार्टनर कोई भी बात यहाँ पर समझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर क्राउन चक्र का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि अगर आपका कोई भी डिवाइन कनेक्शन है, आपका अगर ईश्वर से यूनिवर्स से कोई भी डिवाइन कनेक्शन है, तो आपको हेल्प यूनिवर्स यहाँ पर कर सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपको अपने पार्टनर को हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब क्या है, अब यहाँ पर अगर आपको गाइडेंस मिल रही है और आप फिर भी छोड़ रहे हैं ना इस चीज को, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये रिलेशनशिप बाद में कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपके पार्टनर जाने अनजाने आपको इतना ज्यादा हर्ट कर जाएंगे कि आप डेफिनेटली अपने आप को लोअर एनर्जीज में महसूस करना शुरू कर देंगे, अपने पार्टनर के प्रति खटास आपको फील होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर के ना तो लफ्जों पर यहाँ पर कोई कंट्रोल रहने वाला है, ना उनकी थिंकिंग में कोई कंट्रोल रहने वाला है। वो इस टाइम पर जैसे आप कह सकते हैं कि ना उनका दिमाग काम कर रहा है, ना उनकी कोई ज्ञान इंद्रियां काम कर रही हैं, ना उनके सोचने की शक्ति यहाँ पर है, ये बहुत क्लियरली समझ आ रहा है। ठीक है, तो अपने पार्टनर को हील कीजिए, उन्हें सिचुएशन से बाहर निकालिए, अदरवाइज रिलेशनशिप एक वर्स्ट फेज की तरफ को जाता हुआ नजर आ रहा है और ये मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है। तो अब मूनोलॉजी से देखेंगे कि क्या एनर्जी निकल कर आती है, तो देखते हैं मूनोलॉजी से क्या एनर्जी निकल कर आती है। ये जो नो मून की एनर्जीज है, ये किस तरह से आपकी जिंदगी के अंदर चेंजेस लेकर आ रही है, लेट्स सी दैट। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं पहला कार्ड, यहाँ पर कम्युनिकेशन इज की का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज होल्ड योर विजन। नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। द नेक्स्ट कार्ड इज मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ये कार्ड आना बहुत जरूरी था और डेफिनेटली ये आया है। देखिए सिचुएशन क्या बन रही है और होगा क्या, अभी क्या है, शायद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो जाए और थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। थर्ड पार्टी दिन रात आपके पार्टनर को नॉक करती हुई यहां पर नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने एक दोहरा चेहरा पेश कर रही है अपना, और आप
को गलत साबित करने में लगी हुई है और ये एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट होने वाली है। आप दोनों का कम्युनिकेशन खत्म होने से एक नुकसान ये होने वाला है कि आपके पार्टनर आपकी कोई बात सुनने नहीं वाले हैं, तो यहाँ पर सुनाकर कोई फायदा भी नहीं है। आपके पार्टनर जब सिचुएशन को समझना ही नहीं चाहते हैं तो आप उन्हें समझा नहीं सकेंगे। अब यहां पर डिसीजन मेकिंग का वक्त है, या तो ये डिसीजन बना लीजिए या आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पर फिक्स्ड मून का कार्ड है, फिकल माइंडेड होकर कोई भी डिसीजन मत बनाइएगा। जो भी डिसीजन बनाना है आपको बहुत ही क्लियर डिसीजन बनाना है, आपके डिसीजन में बिल्कुल भी इल्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर पार्टनर से प्यार करते हैं तो उनके लिए रुकना है आपको, अगर आप अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते हैं और इस थर्ड पार्टी के सामने सरेंडर करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपके पार्टनर अपना बहुत बड़ा अहंकार आपके सामने रखने वाले हैं। मैंने कहा ना, उनके लफ्जों पर भी उनका कंट्रोल नहीं रहने वाला है। आपके पार्टनर बहुत ही इगोइस्टिक साउंड करेंगे, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग साउंड करेंगे, आपकी और उनकी हुई हुई छोटी छोटी बातें जो होंगी उन्हें एग्जैजरेट किया जाएगा, उन्हें गलत डायरेक्शन में देखा जाएगा। तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? अगर आपके पार्टनर आपके साथ झगड़ा करने के लिए कॉल करते हैं तो पहली बात ये है, आपको यहाँ पर किसी भी बात की कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है। जब कोई इंसान आपको समझना ही नहीं चाहता है तो उसे समझाकर कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो अपने पार्टनर को उनके हाल पर, यहाँ पर बातों में, सिर्फ बातों में उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी आपने उनके लिए पॉजिटिव पास्ट में किया भी होगा, आज वो उस चीज को भी एक नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करने वाले हैं। बहुत जल्द इन एनर्जीज को आपको फेस करना होगा और हो सकता है कि उनकी आवाज़ उनकी बातों में इतनी कटाक्ष हो, इतनी ज़्यादा नकारात्मक बातें हों कि आप अपने पार्टनर को दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी में देखना भी ना चाहें। बट दोबारा से एक चीज़ बता रहे हो, इस टाइम पर वो अपनी एनर्जीज में नहीं है, तो जो वो बोल रहे हैं अगर उसके ऊपर आप फोकस करके आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप नहीं निभ पाएगा। अब यही तो मैंने आपको बोला, फिक्स्ड मून का कार्ड है, समझना आपको है, संभालना आपको है, आप क्या चाहते हैं वो आपको देखना होगा। देखिए अब इन सारी चीजों से निकलना कैसे, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है, अपने पार्टनर को हील करना है। आपके पार्टनर किसी की एनर्जी में डिप होते जा रहे हैं, अगर प्यार करते हैं अपने पार्टनर को इस एनर्जी से आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं, अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हैं तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं और अपने पार्टनर को इस एनर्जी में से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही आप अपने पार्टनर को इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे या उस डायरेक्शन में कोई एफर्ट लेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल चेंज होने जा रहा है। आपकी जिंदगी में एक बहुत ही पावरफुल चेंज आपको दिखेगा। आप इस नकारात्मक एनर्जी में से भी अपनी पॉजिटिविटी, अपने रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे। अगर थर्ड पार्टी का इतना ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, इतनी ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, तो आपके अंदर उजाला उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा पॉजिटिविटी होनी चाहिए और डेफिनेटली तब आपकी जिंदगी के अंदर चेंजेस आएंगे। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फुल मून इन जेमिनी। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। तो आप डील कैसे करना है अपने पार्टनर से, आपको मैंने उस बारे में बताया है। इस चीज को बड़े ध्यान से आपको करने की जरूरत है, अपने पार्टनर को हील जरूर कीजिए। एक चीज और है, अगर आपको आपकी इंट्यूशन से गाइडेंस क्लियरली नहीं मिलती है तो मेरा एक और चैनल है जो कि सोल डिवाइन जर्नी टैरो के नाम से है। उस चैनल पर मैं अपनी मेडिटेशन की गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, आप उस गाइडेंस को सुनिए। अलग अलग आर्केंजल्स के थ्रू आपको वो गाइडेंस मिलेगी और डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि आपको अपनी लाइफ में आगे किस तरह से बढ़ना है, आपको वहाँ से बहुत खूबसूरत गाइडेंस मिलेगी। तो अब इस वीडियो में अगली जो मैं पार्ट में कार्ड्स की शफलिंग कर रही हूँ वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अब इसका आउटकम क्या होगा, कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ने वाला है आपके पार्टनर की 3D लाइफ में, क्या फर्क पड़ने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो पहला कार्ड यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है।
नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कम्युनिटी का कार्ड है. नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जर्नी का कार्ड है. नेक्स्ट कार्ड इज एक्शन का कार्ड है. डोर टू रोमांस का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल का कार्ड है. देखिए, सबसे पहली चीज है, अगर विक्टोरियस होना चाहते हैं आप, ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से अपने पार्टनर को बाहर निकालना होगा. बात करके ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बाहर निकल आएंगे. और आपके साथ लड़के आपके पार्टनर पता है क्या सोचने वाले हैं, कि वो अपनी जिंदगी में बहुत चैन से रहने वाले हैं, उनकी जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा. आपके पार्टनर अपने आप को विक्टोरियस फील करने वाले हैं, ये सिर्फ उनकी फीलिंग ही है. एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बहुत जल्द उन्हें इस चीज का एहसास हो जाएगा. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कम्युनिटी का कार्ड है. आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोशलाइज करेंगे, अपने आप को बहुत ही ज्यादा बिजी रखने की कोशिश करेंगे, इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहने की कोशिश करेंगे, और जो कि एक टेम्परेरी खुशी है. और यहाँ पर आपकी जिंदगी के अंदर भी कोई ऐसा पर्सन दस्तक दे सकता है जो कि आपके लिए एक बहुत बड़े गाइड का काम करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर कम्युनिटी का जो ये कार्ड इंडिकेट यहाँ पर ये चीज कर रहा है कि आपके लिए इस कम्युनिटी का मतलब आपकी गाइडेंस है, और आपके पार्टनर के लिए वो थर्ड पार्टी है. तो ये आप दोनों की जर्नी है. आपकी लाइफ के अंदर ऐसी परिस्थिति आनी थी बिकॉज आपके पार्टनर शायद आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे थे, और अब जब आपके पार्टनर आप तक वापस आएंगे तो वो परमानेंटली आएंगे, फिर इन आउट की सिचुएशन नहीं बनेगी, ठीक है. तो ये एक जर्नी है जिसको आपको भी कवर करना है और आपके पार्टनर को भी कवर करना है. वो इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा टेंशन फ्री है. आपके पार्टनर को बिल्कुल भी इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है. वो अपने आपको प्रूफ करना चाहते हैं, आपको उनके किसी भी एक्शन पर कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि आपके पार्टनर कंटिन्यूसली आपको पिंग करने की कोशिश करने वाले हैं. वो कंटिन्यूसली आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, उनके हर एक्शन से आपको तकलीफ हो सकती है. अगर कुछ टाइम के लिए अपने पार्टनर को इग्नोर कर देंगे तो वो बहुत अच्छी बात है. आप एक्शन लेना चाहते हैं तो एक अच्छी डायरेक्शन में लीजिए. वो डायरेक्शन ये है कि आपने अगर इस रिश्ते में सच में डेडिकेशन दी है तो वो ईश्वर देख रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, और तब आपके लिए ये डोर टू रोमांस के रास्ते खुलेंगे. हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर इस थर्ड पार्टी के साथ इस डोर टू रोमांस को एक्सपीरियंस करें. हो सकता है आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को किसी तरीके की कोई कमिटमेंट देने की कोशिश करें. हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर कोई प्यार भरी दस्तक दे. तो इस चीज को आपको हैंडल करना है. जिस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, आपको खुद ब खुद हैंडल करना है. अगर अपने पार्टनर को वापस चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर को हील करने की जरूरत है, इन एनर्जी से बाहर निकालने की जरूरत है. अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से मूव ऑन ही करना चाहते हैं, आपने सोच लिया है तो मूव ऑन कर जाइए. डेफिनेटली कोई और पर्सन आपकी जिंदगी में आ जाएगा. यहाँ पर थर्ड चक्रा का कार्ड है, आर्कएंजल कैम्यूल का कार्ड है. आपके पार्टनर भवसागर में फंस गए हैं, वो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा में पूरी तरह से ट्रैप हो गए हैं. वो एंजाइटी की एनर्जीज में है, उन्हें पता नहीं लग रहा है वो क्या कर रहे हैं, उनके एक्शंस उनके डिसीजंस कुछ भी फर्म नहीं है. आपके पार्टनर बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में अभी इन फ्यूचर फंसने वाले हैं. आप अगर उनसे प्यार करते हैं तो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल लीजिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया है या जो वो करने जा रहे हैं वो आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं, तो अपने पार्टनर को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दीजिए. क्योंकि जो इंसान आज के टाइम पर आपको बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता है, वो इंसान अभी जब तक इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेगा या निकलेगी, वो नहीं सुनेगा, ठीक है. तो यहाँ पर बातों से बात नहीं होने वाली, आपको अपने पार्टनर को हील करने की जरूरत है. और एक और बहुत ही खूबसूरत चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. यहाँ पर 2 और 8, जहां वो अपनी विक्ट्री समझ रहे हैं, वहां वो एंड कहां कर रहे हैं, अपनी ब्लॉकेज पर. 3 + 7 = 10, 2 + 8 = 10, ठीक है. और यहाँ पर आप दोनों ही इस जर्नी का हिस्सा हैं.
इसके अलावा जो भी पर्सन इसमें इंटरफेयर कर रहा है वो थर्ड पार्टी ही है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी है। अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, उनकी रीडिंग लीजिए, उनको हीलिंग करवाइए उनकी, ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। बिकॉज अब सिचुएशन ज़्यादा टाइम तक इस स्टेक पर होल्ड नहीं रह सकती है, या तो ये रिश्ता बन जाएगा या ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब इसमें बहुत ही तेज़ी से एक्शन होने वाला है। सो नीचे जब कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि किन किन के पार्टनर्स ने ये एनर्जी को अभी से ही अडॉप्ट करना शुरू कर लिया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।